अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं आपकी सिंधी की टीचर। बेटा सिक्स क्लास ये आपका काम है जो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है, यानी क्लास वर्क कॉपी में होमवर्क की हेडिंग लगाकर घर जो कम ये आपको करना है। आप जानते हैं हमारे यूनिट वन कंप्लीट हो चुका है, तो ये जो काम है आपको लेसन में से ही दिए गए हैं, जिन लेसनों की आपको रीडिंग करवाई गई है। ये आपकी 10 खाली जगहें हैं जिन्हें आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी के अदब के पोर्शन में लिखना है और फील करना है। हेठियाँ खाल भरो, नीचे खाली जगह नीचे दी गई खाली जगह पुर करें। 5 सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंढपण खां ही ॾाढा डेश डेश ऐं डेश हुआ। पाण करीम संदेश में जाओ, शाह करीम संदेश में जाओ, हातिम देश मुल्क जे यमन वारे इलाके जो हाकिम हो, हू देश जी पूजा कंदा हुआ, उहो हालन जे मशहूर बुजुर्ग देश जो मुरीद हो, हातिम देश कबीले मां हो, ॾींहुं ऐं रात देश पैदा करे थो। हिन वक़्तु दुनिया में देश मुसलमान आहिनि। शाह करीम संदेश में अटकल देश वरियन जी उम्र में वफ़ात कई। ही सखी मर्द देश ऐं देश जी मदद करे खुश थींदो हो। बेटा ये आपकी खाली जगह है जो आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी के अदब के पोर्शन में करनी है। 10 खाली जगह हैं और ये 10 खाली जगह लिखने के बाद इनको आपको फील करना है। खाली जगह के बाद जो है आपका दूसरा सवाल है, हेठनल लफ्ज़न जहाँ जुमला ठाओ, नीचे दिए गए अल्फाजों के जुमले बनाएं। यहाँ पर मैंने आपको 10 अल्फाज दिए हैं जिनके आपको जुमले बनाने हैं। जुमले बनाने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, अल्फाज जो है वो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और जुमला ब्लू से बनाएंगे। और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एक अल्फाज लिखने के बाद उसका जुमला कंप्लीट करने के बाद फिर लाइन छोड़कर फिर दूसरा अल्फाज आप लिखेंगे और फिर उसका जुमला बनाएंगे। पहले से ही पूरे अल्फाज मत लिख दीजिएगा, ये पता नहीं कि जुमला कितनी लाइन में आ सकता है। ये 10 अल्फाज है जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, इन अल्फाजों के आपको जुमले बनाने। सखावत, अमीन, आलमन, मिल्कियत, आयतों, मशहूर, कावड़, तकलीफ, पूजा, नसीहत। तकरीबन सारे अल्फाजों की मीनिंग्स बहुत इजी है। कावड़ की मायने है गुस्सा करना, तो इस अल्फाज की मैं मायनिंग आपको ज़रूर बताऊंगी। मिल्कियत माने दौलत या जायदाद, कावड़ माने गुस्सा करना। बाकी सखावत वगैरह ये अल्फाज बहुत इजी है जिनकी मीनिंग्स आपको आती होंगी।